आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कोर ग्रुप की बैठक थी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री दोरजी खांडू के निधन की पुष्टि आज की गई है। पार्टी के कोर ग्रुप ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो उनकी मृत्यु हुई, इस पे बहुत शोक प्रकट किया है और हम उनके परिवार को ये अपना संदेश देते हैं, उनके समर्थकों को ये अपना संदेश देते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अपने उनके राज्य के लिए और देश के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति और नुकसान हुआ है। कोर ग्रुप की बैठक में आज दो प्रमुख विषयों के ऊपर चर्चा थी। मुख्य चर्चा जो पाकिस्तान में घटना हुई जिसमें ओसामा बिन लादेन मारे गए, उसको लेकर हुई। पार्टी के कोर ग्रुप की ओर से आज एक वक्तव्य दिया जा रहा है जिसकी कॉपी कुछ ही समय में आप सबको मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ओसामा बिन लादेन की मृत्यु, जो पूरे विश्व की जंग आतंकवाद के खिलाफ चल रही थी, उस जंग की एक प्रमुख घटना है। पूरे विश्व में आतंकवाद का वो एक चेहरा थे और इसलिए इस जंग को बल मिला है, इस लड़ाई को बल मिला है उनकी मृत्यु के साथ। पाकिस्तान के भीतर वो पाए गए और पाकिस्तान की एक मिलिट्री एकेडमी के नज़दीक पाए गए जहां वो काफ़ी समय से रह रहे थे। इससे जो हम लोग सदैव मानते रहे हैं कि पाकिस्तान केंद्र है विश्व के आतंकवाद का और आतंकियों को पनाह देता है, इस बात की पुष्टि हुई है। भारत के लिए ये विशेष रूप से चिंता का विषय है कि जिन लोगों ने 26 यात्रा की घटना भारत में की और आतंक की अन्य घटनाएं की, ऐसे कई लोग हैं जो पाकिस्तान में आज भी मौजूद हैं और जिनको पाकिस्तान के अंदर सुरक्षित रखा गया है। पाकिस्तान अब ये नहीं कह सकता कि वो आतंकवाद का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान से ही आतंकवाद पैदा होता है और उसकी सुरक्षा भी वहीं पर की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री जी को और यूपीए सरकार को पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का एक वक्त पे ये कहना कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेरर, ये आज दुनिया इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ये वास्तविकता और हकीकत नहीं है। बातचीत और आतंकवाद इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान आतंक का प्रयोग करता रहा है, उसको स्पॉन्सर करता रहा है, पूरे विश्व ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है और इसलिए भारत की सरकार भी इस हकीकत और वास्तविकता को स्वीकार करें। दूसरा विषय, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की रिपोर्ट के संबंध में था। पार्टी को इस बात का खेद है कि यूपीए और कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के कांड का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है। राजनीतिक ध्रुवीकरण इस विषय को लेकर हुआ है तो वो दल इकट्ठे हुए हैं जिनके नेतृत्व पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और मुकदमे चल रहे हैं, और इस ध्रुवीकरण को हम पूरे देश के सामने एक्सपोज करेंगे और पार्टी के कई नेता देश भर में इस विषय को लेकर कई कार्यक्रम करेंगे।
ये दो विषय केवल पार्टी आज कोर ग्रुप में डिस्कस हुए, जैसा मैंने कहा। द कोर ग्रुप ऑफ द पार्टी डिस्कस टू सब्जेक्ट्स टुडे। द फर्स्ट वॉज इन रिलेशन टू द किलिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन इन पाकिस्तान रिसेंटली। द पार्टी इज इशूइंग अ डिटेल्ड स्टेटमेंट वेयर द बीजेपी कंसिडर्स द एलिमिनेशन ऑफ ओसामा बिन लादेन द ग्लोबल फेस ऑफ टेररिज्म एज अ हाई पॉइंट ऑफ द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। द फैक्ट दैट ओसामा वॉज हाउस्ड इन अ मैंशन क्लोज टू द पाकिस्तानी मिलिट्री अकेडमी इट सेल्फ इस्टैब्लिशेज दैट पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म विच वॉज हार्बरिंग द वर्ल्ड मोस्ट वॉन्टेड ग्लोबल टेररिस्ट। India's legitimate concern that those who have perpetrated terror in India are also housed comfortably in Pakistan is no longer in doubt. Pakistan can no longer claim to be a victim of terror. Those who use terrorism as an instrument of state policy will always suffer due to their duplicity. The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, and the UPA government need to introspect upon their policy towards Pakistan. Talks and terror cannot coexist. Pakistan is the sponsor and user of terror, not its victim. Pakistan has not been honest in its commitment that its territory will not be used for terror. The world has realized this reality. We urge the government of India also to see reason in it. Sir, one question, I have two questions. One, party also discussed the political situation arising out of the report of the Public Accounts Committee. We regret the fact that on a scam involving huge monumental amounts of public exchequer which has been lost, the UPA and the Congress party were reluctant that the truth comes out before the nation, and therefore the polarization this time, in order to prevent the truth being coming out of the UPA along with parties like the DMK, the Samajwadi Party and the BSP, has been with those parties whose leaders are being prosecuted under the Prevention of Corruption Act. The BJP will use this occasion to carry on and strengthen its campaign on the issue of corruption against the UPA. Questions, sir, two questions. One is that the Americans said ऐसा है कि अभी टेलीविजन पे समाचार आया था अबाउट द डेथ ऑफ द अरुणाचल चीफ मिनिस्टर, सो वी हैव गिवन अवर रिएक्शन बिकॉज ऑफ दैट। जस्ट नाउ आई एम टोल्ड दैट द दैट द होम मिनिस्ट्री हैज स्टिल नॉट कंफर्म्ड इट, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज होल्ड इट बैक। We were led or misled by the comment made by the one of the ministries on television. Yes, so please hold it. Amol bhai, देखिए पार्टी ने आज एक अपना स्टेटमेंट दिया है, वो कंसिडर रिएक्शन है, इसके अलावा आज हम कुछ और नहीं। See, there are two separate formulations on the issue of talks with Pakistan. One is the January 2004 formulation, which was clear that Pakistan undertakes that its territory will not be used for terror, by terror against India. Only then the talks can go on. That was the formulation of Mr. Vajpayee, which President Musharraf had accepted. That has been BJP's consistent stand. We reject Prime Minister Dr. Manmohan Singh's Sharm el-Sheikh formulation that talks must go on irrespective of Pakistan's commitment on eliminating terror from its territory. Koi vishay discuss it. This issue of this, like the Pakistan Americans said that Osama was enemy number one, we struck. You see, there are parties today given a considered reaction. It's a composite, complete reaction. There are some matters of strategic detail
which our agencies and security forces have to consider, the party need not necessarily speak on that. इस विषय में कोई निर्णय होगा तो उस दिन आपको बतला दिया जाएगा। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। कोई इस पर निर्णय होगा आपको बतला दिया जाएगा।